हेलो गाइस, मैं हूं नाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि मेरे मेरे पीछे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है और उन्होंने पूछा है कि हम हाउ टू ऐड द ग्लास रेलिंग ऑन द स्टेयर्स। ठीक है, मतलब हम स्टेयर पे ग्लास रेलिंग्स कैसे लगा सकते हैं, तो ये चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद में और भी चीज़ें आपको स्टेयर के बारे में बताऊंगा, जो कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप एक आर्किटेक्ट हैं जो अभी नए नए हैं या जिन्हें स्टेयर के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, तो मैं स्टेयर के बारे में आज थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे डिस्प्ले पे कई तरह की सीढ़ियां हैं। ठीक है, हर एक सीढ़ियां आप बोलने के लिए सीधे बोल सकते हैं कि ये स्टेयर्स हैं नॉर्मल, लेकिन ये कई अलग अलग तरीके की सीढ़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसे देखें तो ये एक एक्सकलेटर है, जहां तक आप देखेंगे कि अब तो रेलवे स्टेशन, मॉल्स वगैरह में भी ये लगने लग गए हैं। ठीक है, पहले तो मॉल्स में होते थे, अब रेलवे स्टेशन पे भी आ गई हैं। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए, ये राउंड स्टेयर केस है। हालांकि राउंड स्टेयर केस भी और कई तरीके की होती है, लेकिन जनरल एक मैंने ये राउंड स्टेयर केस ले लिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये एक बहुत बेसिक सा स्टेयर केस का वो दिया हुआ है सैंपल। उसके बाद देखिए, ये भी स्टेयर केस है और ये भी, और ये देखिए, ये तीनों आपस में आप देखेंगे कि एक ही तरीके के लग रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं बताता हूँ कि इनके डिफरेंस में क्या चीजें होती हैं। जैसे ये देखिए, मैं इससे भी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज आपने अगर देखा हो, या आप ऐसे स्टेट में हो जहाँ पत्थर का काम होता है घर में, अगर आप हरियाणा या दिल्ली में हैं तो आपको पता होगा कि गाटर और पत्थर की मदद से, जिसे हम आई आयरन कहते हैं, टी आयरन कहते हैं, उनकी मदद से भी छत बनाए जाते हैं। तो वहां पे जो एल होता है, जिसे हम एंगल कहते हैं, उसके थ्रू भी बनाए जाते हैं पत्थर के थ्रू। तो उसमें ये चीज आती है, इसमें क्या किया जाता है कि नीचे एक प्लेट एल गार्डर इधर लगा दिया जाता है, एंड एक एल इधर एंगल फंसा दिया जाता है, जिसके ऊपर पत्थर्स रख दिए जाते हैं, एंड उसके बाद आप इस पे चुनाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक होता है और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आते हैं ये, जी नॉर्मल आपको कई जगह घरों पे बना हुआ मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि नीचे आपका जो ये हिस्सा होता है, इसमें बना होता है आरसीसी, 3 इंच, 3.5 इंच तक की आरसीसी होती है। ठीक है, एंड उसके बाद इसके ऊपर ब्रिक वर्क किया जाता है। ठीक है, देन ये स्टेप बन जाता है आपका। ये जैसे तो ज्यादातर जगहों पे ये होता है कि जैसे टावर्स हो गए, या कोई ऐसी जगह जहां स्टेयर्स छिपी पड़ी हैं, तो उन जगहों पे इस तरीके की स्टेयर्स बनाई जाती हैं, या नॉर्मल घरों में भी ऐसे ही बना लेते हैं लोग। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं, ये भी है इसमें और इसमें। आप देखेंगे कि अंतर बस यही है कि नीचे का इसमें फ्लैट है एंड ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे भी कर दें तो ये भी देखिए, ये भी आपको लगेगा कि ये सीधा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है और ये कहाँ लगता है? सबसे पहले तो ये जो चीज है, ये डिजाइनिंग में आती है, तो हम और ये ज्यादा ऊंचे उसमें नहीं ले जाते। जैसे हम लोग जैसे इंटीरियर कर रहे होते हैं, तब अगर डुप्लेक्स घर है किसी का, तो डुप्लेक्स के अंदर में हम ये सीढ़ियां ज्यादातर न बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि इससे लुक थोड़ी अच्छी है, तो हम ये चीज प्रेफर करते हैं ताकि लुक वाइज भी और अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेयर का शेप यही होना चाहिए, शेप अलग हो सकता है। इट मीन्स कि पहले के 2-3 स्टेप हो, देन उसके बाद स्ट्रेट जा रहे हैं, या पहले के 2-3 के बाद आगे बढ़ के फिर ऊपर से घूमना। ठीक है, तो डिजाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो इंटीरियर्स में हम बनाते हैं वो इस तरह की स्टेयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये आपके हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी ब्रिक वर्क यूज हुआ, इसमें भी ब्रिक वर्क हुआ, नीचे आरसीसी करके हमने ब्रिक वर्क यूज किया। इसमें पहले आरसीसी की जाती है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका, ये आरसीसी में ही बनता है।
देन इसके बाद अगर आपको जोत ऐसे तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर किसी तरह की गलती होती है या कुछ भी है अदर, देन जाके आप इस पे ब्रिक वर्क कर सकते हैं। नहीं तो ये डायरेक्ट आरसीसी में ही बनता है पूरा, और उसके बाद आप सीधा इस पे प्लास्टर करके आप पत्थर या जो कुछ भी आपको मटेरियल लगाना है आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है आप देखेंगे कि इसमें देखिए ये सी चैनल लगे हुए हैं, ठीक है, ये सी चैनल दोनों साइड से लगाया गया है, इसके अंदर और बाहर भी, इधर भी, एंड देन उसके बीच में ये इस तरीके के स्टेप्स बनाए गए हैं। तो ये स्टेप्स आप पहले तो एमएस पे ही रहता है, उसके बाद आप उसके ऊपर इंटीरियर के व्यू से आप या तो स्टोन लगा सकते हैं या फिर वुडन का मटेरियल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई। और ये जो आपकी राउंड स्टेयर केस है, इसमें आप एमएस का बनाते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल सी जगह पे जाना होता है, जैसे आप ने टॉप टेरेस पे लगा दिया, टेरेस से आपके टंकी वाली छत पे जानी है जहाँ वाटर टैंक होता है वहां जाना है, या फिर सर्वेंट को यूज करना है, या कभी कभी जाना होता है हमें जहाँ, वहां हम इस तरीके के स्टेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बात थी कि रेलिंग्स ग्लास में कैसे बना सकते हैं। नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये सारी स्टेयर केस मैंने अभी बनाई नहीं है, ये मैंने बस, आप ये जो देख रहे हैं टूल बार आप ऊपर, ये 1001 के नाम से है, 1001 बिट टूल्स, ठीक है। अगर आपको अभी भी पता नहीं है कि आप अपने स्केचअप में के अंदर किसी प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। ये देखिए जैसे ये स्टेयर है, तो नॉर्मली यहाँ पे जो ये बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि मैं इसमें एक रेक्टेंगल बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। जैसे ही मैं इससे पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ठीक, तो आप देखिए नॉर्मल इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस जगह को इससे ये इसने अलग किया, जैसे ये देखिए 2 इंच आगे हम बढ़े हैं, ठीक है, एंड देन इसके बाद ये आगे बढ़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, इसके साथ इसे हम एक्सप्लोड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब को सिलेक्ट कर लेना है और इंटरैक्ट फेस करना है, जैसे आप यहां देखेंगे इंटरैक्ट फेस विद सिलेक्शन। तो ये देखिए जो ये आपकी लाइन बननी थी ये भी बन गई है, तो आप जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे ये आप इसे इरेज कर दें, ऊपर से भी इसे इरेज कर दें, तो ये देखिए ये आपकी रेलिंग बन गई, ठीक है। तो बस यही चीज करनी होती है आपको, और इस पे एक थिकनेस दे दे जितनी भी आपको चाहिए। जैसे हम ग्लास का लेते हैं, तो हम मान लीजिए 12 mm का ग्लास दे रहे हैं, तो 0.5 इंचेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लास। अभी देखिए मैंने गलती से इस पे मटेरियल मेटल का डाल दिया, तो हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो हम इस पे अब क्या करेंगे, मटेरियल डालेंगे ग्लास का। अगर आपको नहीं पता कि ग्लास मटेरियल कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कलर पे जाइए, नॉर्मल या किसी भी चीज़ पे जो भी आपको मटेरियल लगता है कि सही है वो उस पे हम डाल सकते हैं, तो उसे डाल लीजिए। जैसे ये देखिए नॉर्मली ग्लास का कलर हल्का सा ऐसा ही होता है, ठीक है, सियान कलर का। तो उसके बाद आप यहाँ एडिट में जाइए, एंड आप देखेंगे नीचे यहाँ पे, तो ये देखिए इसकी ओपेसिटी है यहाँ पे लिखी हुई, तो ये ओपेसिटी जितनी कम होगी आप देखेंगे ये पूरी तरह से ग्लास बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये ग्लास बन गया यहाँ पे। तो अब इसे आप ग्रुप कर लीजिए, ठीक है, एंड देन इसी चीज को अगर आपको दूसरी साइड भी लगानी है, तो आप यहां भी लगा दीजिए इसे, 2 इंच अंदर कर लेते हम, ये देखिए बन गई। तो ये आपकी ग्लास रेलिंग बन गई। अब इसके ऊपर आपको चाहिए कि जैसे टॉप पे हैंड रखने के लिए कोई रेस्ट हो या कुछ भी हो ऐसा, तो वो चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया है कि जब आपने ये किया, तो इसे हम कंपोनेंट भी बना लेते हैं ताकि ये हमारे लिए आसान होगा। तो मैं एक कंपोनेंट कर लेते हैं, कंपोनेंट का नाम देते हैं
ग्लास वन के नाम से। ठीक है, तो अब देखिए हम इस चीज को भी इधर क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, तो अब हमें चाहिए इसकी रेलिंग, तो हम इसे थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो 3 इंच हम पीछे कर लेंगे इसे, और यहां से भी हम 3 इंच पीछे कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके लिए एक वो बनाएंगे जो इसके ऊपर का रेस्ट बनेगा, हैंड रेस्ट। ठीक है, तो ये हैंड रेस्ट हम इस तरीके से बनाते हैं, 1 इंच इधर, 1.5 इंच इधर। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा 2 इंच। थोड़ा सा कलाकारी भी कर लेते हैं इसमें, जब इतना कर ही रहे हैं तो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है, मैं जस्ट नॉर्मल ऐसे ही बना दे रहा हूं। ठीक है, तो इस पे हमें एक लाइन चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे अंदर ले जाते हैं कंट्रोल एक्स करके। ठीक है, ये हो गया, अब इसे एक्सप्लोड कर देते हैं। तो अब हम इसे फॉलो मी करेंगे, एंड ये हमारी बनेगी रेलिंग। तो ये देखिए, कंपोनेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी ये बनेगी उधर भी वो बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ये बना, और उधर के साइड में भी जस्ट आपके हाथ के ऊपर रखने के लिए यहाँ पे रेलिंग बन गई है। अगर आप इस कॉर्नर को स्मूथ करते तो ये स्मूथ में बनता। ठीक है, अगर आपने ये एजेस में रखे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। आई होप कि जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गई होगी स्टेयर को लेकर, एंड आपको पता चल गया हो कि हम कई तरीके के स्टेयर्स बना सकते हैं। जैसे आपको टाइप्स ऑफ स्टेयर पता चले गए हैं, स्टेयर्स में डिजाइन के पर्पस से कई अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे डॉगलॉग कहते हैं या फिर यू कहते हैं, बहुत सारी तरीके की चीजें होती हैं, ग्लास स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, तो मेन मेन जो चीजें थी आपको मैंने बता दी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।